त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक सोच। दोस्तों ये तस्वीर 100% सच्ची है। ये तस्वीर 100% 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए शुभ संकेत है। पॉलिटिक्स को बहुत करीब से समझने वाले इस तस्वीर को 2022 से पहले ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव का बहुत बड़ा मूव मान रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराएंगे। इतना ही नहीं, मऊ के हलधर मैदान में 27 तारीख को अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर एक ही मंच से संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। ओम प्रकाश राजभर का संकल्प भागीदारी मोर्चा के साथ सारे दल भी सपा के साथ आएंगे। ओवैसी की पार्टी का क्या मूव रहेगा ये अभी तक तय नहीं है। अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर का मिलन बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। बहुत दिन से आशंकाएं लगाई जा रही थी कि ओम प्रकाश राजभर किधर जाएंगे, लेकिन देर से ही सही भारतीय सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बहुत सही फैसला लिया है। पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर की पिछड़े समाज में अच्छी पकड़ है। ओम प्रकाश राजभर ने योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री थे, लेकिन बगावत करके इस्तीफा दे दिया था। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने पूर्वांचल में 2017 के चुनाव में 4 सीटें जीती थी। विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश के लिए क्या कहा था वो सुनिए, फिर आगे की बात करते हैं। एक दिन पत्रकार भाई ने अखिलेश जी से पूछा, पूर्व मुख्यमंत्री जी से, कि आप 5 साल सरकार चलाए हो, आपकी सबसे अच्छी योजना क्या है। अखिलेश जी ने कहा कि भाई जो 100 नंबर की गाड़ी है, जो चौराहे पे 100 नंबर की गाड़ी खड़ी है, वो हमारी सबसे अच्छी योजना है। पत्रकार भाइयों ने पूछा कि उसका काम क्या है, तब पत्रकार भाइयों से अखिलेश जी ने कहा कि कहीं कोई झंझट टकराव हो जाता है तो फोन करने पे 100 नंबर पे गाड़ी चली आती है। अब ये समाचार संसदीय कार्य मंत्री सुबह अखबार में पढ़ ली। अब इन्होंने जो है पत्रकारों को बुलाया, तो पत्रकार भाई ने पूछा कि कल अखिलेश जी ने कहा जो 100 नंबर चौराहे पे गाड़ी खड़ी है वो हमारी देन है। तब तक संसदीय कार्य मंत्री ने पत्रकार भाइयों से कहा कि जो चौराहे पर सार खड़ा है वो हमारी देन है। होली है, बुरा मत मानो। सुबह सपा के साथ पूर्वांचल में 18 से 22% राजभर वोटर्स हैं। पूर्वांचल की 150 से अधिक सीटों पर पार्टी का प्रभाव है। देश के वाराणसी मंडल, देवीपाटन मंडल, गोरखपुर मंडल, आजमगढ़ मंडल की विधानसभा सीट पर गहरी पैठ है। सुबह सपा की बंसी, अर्कवंशी, खरगवार, कश्यप, पाल, प्रजापति, बिंद, बंजारा, बारी, बियार, विश्वकर्मा, नाई और पासवान जैसी उपजातियों पर भी अच्छी पकड़ है। अरविंद राजभर प्रमुख महासचिव, पूर्व राज्य मंत्री अरुण कुमार राजभर राष्ट्रीय महासचिव व प्रवक्ता, सुनील कुमार अर्कवंशी प्रदेश अध्यक्ष, महेंद्र राजभर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सतीश बंजारा, गुलाब खंगार, प्रेमचंद कश्यप और ओम प्रकाश राजभर को तेज तर्रार साथी पीयूष मिश्रा भी सपा और सुबह सपा गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हैं। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।